हाय गाइस, वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एंड पिलर माइनिंग के बारे में, जो कि अंडरग्राउंड माइनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और इंडिया में सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया जाने वाला माइनिंग मेथड है। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग जानने से पहले, अगर आपने हमारा बोर्ड एंड पिलर का टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देखें। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि बोर्ड एंड पिलर जानने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम लोग बोर्ड एंड पिलर में जो है, बोर्ड एंड पिलर होता क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसके कंडीशंस क्या है, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि बताया गया यहाँ पे कि डेवलपमेंट ऑफ माइन बाई ड्राइविंग अ सीरीज नैरो रोडवेज सेपरेटेड बाई सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ कोल पैरेलल एंड क्रॉस ईच अदर नियरली एट राइट एंगल्स, दिस स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रोडवेज इस कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड एंड पिलर। जैसा कि इसमें बताया गया है, माइन के डेवलपमेंट के लिए नियरली राइट एंगल्स पे और पैरेलल एंड क्रॉस में जब हम नैरो रोडवेज ड्राइव करते हैं तो ये जो नेटवर्क ऑफ रोडवेज बनता है हमारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड एंड पिलर। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रोडवेज जो हमारा नैरो रोडवेज हुआ और जो पिलर का फॉर्मेशन हुआ, उसे हम लोग बोर्ड एंड पिलर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि जब हमारा फॉर्मेशन हो जाता है पिलर का, जैसा यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर द फॉर्मिंग द रोडवेज पिलर आर फाइनली एक्सट्रैक्टेड एंड दिस स्टेज इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर एंड डिप्लेयरिंग स्टेज। जब हमारा पिलर का फॉर्मेशन हो जाता है तब हम उसे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो एक्सट्रैक्ट करने का ये जो प्रोसेस है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर और डिप्लेयरिंग स्टेज। ठीक है, तो चलिए हमारा थोड़ा सा एक डिफिनेशन दिया हुआ है डेवलपमेंट के बारे में, उसे भी जान लेते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी जाना है डेवलपमेंट होता क्या है। तो जैसा कि बताया गया है, ड्राइविंग अप टू सेट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल गैलरी ईच गैलरीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिस स्टेज इज नोन एज डेवलपमेंट। जो हम लोग ड्राइविज जो नैरो रोडवेज जो बनाते हैं ना, जो ड्राइव करते हैं माइंस के डेवलपमेंट के लिए, उसमें जो गैलरी बनती है वो गैलरी क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल और परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इस स्टेज के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं डिप्लेयरिंग। तो डिप्लेयरिंग अभी हमने जाना कि डिप्लेयरिंग क्या है। डिप्लेयरिंग इज द स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डेवलप्ड पिलर। जो हमारा पिलर जो फॉर्म हो जाता है, फॉर्म कर लेते हैं उसे, तब हम उसे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, इसी को हम लोग डिप्लेयरिंग कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में, अप्लीकेबिलिटी, कंडीशंस और डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसके अप्लीकेबिलिटी कंडीशंस को देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट में बताया गया है कि फॉर वर्किंग मोटेड थिक सीम, द सीम इज थिकर देन 1.5 मीटर एंड अबव। बोर्ड एंड पिलर मेथड वहाँ पे ही अप्लीकेबल होगा जहाँ पे मोटेड थिक सीम हो, यानी कि उसकी थिकनेस जो है सीम की वो 1.5 मीटर या इससे अबव होनी चाहिए। अगर 1.5 मीटर से कम होगी तो ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट वन इज सीम इज फ्री फ्रॉम डर्ट बैंड और स्टोन। देखिए, बहुत जगह पे देखा गया है कि जब हम लोग माइनिंग करते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, डर्ट्स होते हैं, तो उसे क्लियर करने में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। और अगर ऐसा सीम में अगर हम लोग बोर्ड एंड पिलर अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, सीम हमारा जो है डर्ट बैंड स्टोन से फ्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन इज मॉडरेट डेप्थ मॉडरेट इंक्लिनेशन। मतलब कि ज़्यादा गहराई तक, अगर ज़्यादा गहराई होगा तो वहाँ पे वर्क करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मॉडरेट डेप्थ होना चाहिए, मॉडरेट इंक्लाइनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फॉर वर्किंग सीम ऑफ डिग्री वन एंड डिग्री टू गैसीनेस सीम, हाईली गैसी सीम आर नॉट सुटेबल ड्यू टू फॉर डिफिकल्टी ऑफ वेंटिलेशन। देखिए,
अगर डिग्री वन डिग्री टू गैसी सिम है तो वहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा गैसीनेस वाला माइंस है सिम्स है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड एंड पिलर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट वार्निंग, फ्री फ्रॉम जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कहने का मतलब है कि डाइक हो गया, फॉल्ट हो गया, फोल्ड हो गया, इन सब से फ्री होना चाहिए सिम। अगर ये सब है तो हमारा क्या बहुत सारा डिस्टर्बेंस आएगा जिससे कि हम माइनिंग जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज सिम इज़ फ्री फ्रॉम गैस और फायर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गैस और फायर से क्या फ्री होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्लैट सिम होना चाहिए, ये फ्लैट सिम में ही वर्केबल होगा, वहीं पे अप्लाई किया जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या एडवांटेज के बारे में। जैसा कि इसका एडवांटेज में बताया गया है, तो फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में, अर्ली प्रोडक्शन स्टार्ट व्हेन मेकिंग रोडवेज और गैलरी। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब हम रोडवेज या गैलरी का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उस समय स्टार्टिंग से ही क्या हमारा प्रोडक्शन आना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग जो हमारा इसमें साथ में वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ चीपेस्ट मैथड। ये अदर मेथड के मामला में ये बहुत ही सस्ता है, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं। लॉन्ग वाल में हमें क्या प्रॉप सपोर्ट्स वगैरह, या फिर हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोलिक सपोर्ट, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा जो पिलर जो छोड़ते हैं हम लोग, वही हमारा रूफ सपोर्ट में काम आ जाता है, तो एक तरह से इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चीपेस्ट मेथड है। इसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट वन इज सिंस बोर्ड एंड पिलर मेथड इज डन इन पैनल सिस्टम, हिंस एक्सीडेंट ड्यू टू फायर गैस ETC आर प्रिवेंट फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर हम बोर्ड एंड पिलर पैनल सिस्टम में वर्क करते हैं तो क्या होता है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में आग लगा किसी पैनल में, ठीक है, तो हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं और दूसरे अपने जो है हिस्से में काम कर सकते हैं, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये हमारा पैनल सिस्टम अगर बोर्ड एंड पिलर में वर्क करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि बोर्ड एंड पिलर जब हम माइनिंग करते हैं बोर्ड एंड पिलर से, तो वहाँ पर पैनल सिस्टम का ही यूज करते हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की किसी एक सिस्टम में दिक्कत होता है पैनल वाले में, तो दूसरे को हम उसे आइसोलेट कर सकें बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नो अनप्रोडक्टिव वर्क इज इन्वॉल्व इन दिस मेथड। किसी भी प्रकार की अनप्रोडक्टिव वर्क, यानी कि मतलब जो जैसे रिपिंग हो गया, डिगिंग हो गया, इन सभी चीज़ों का इसमें जो है कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाता है, कोई भी हिस्सा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोल आउटपुट इज ऑब्टेंड फ्रॉम बिगिनिंग डेवलपमेंट स्टेज दस प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूस। जब हम एक बार अपने जो है कोल प्रोडक्शन, यानी जो हमारा जब माइन डेवलपमेंट जब हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम अपने कोल को जब एक बार टच कर जाते हैं, ठीक है, सिम को, तो हमारा क्या होता है कि कंटिन्यूस फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इधर काम भी चल रहा, रोडवे भी हम लोग ड्राइव करेंगे, और इधर से हमारा प्रोडक्शन भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि मतलब हमारा डिप्लेयरिंग और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ वर्क करता है। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसा कि बताया गया है, सरफेस फीचर्स लाइक रोडवेज, रेलवे, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, रिवर एक्सेट्रा विच कैन नॉट डिस्टर्ब बाय अंडरग्राउंड माइनिंग कैन बी सपोर्टेड बाय सॉलिड कोल पिलर ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड लेटर ओनली पार्शियली एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर ऑफ स्टोइंग इज नॉट प्रैक्टिस। इसमें कहता है कि बिना अपने सरफेस फीचर्स को डिस्टर्ब किए, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, स्कूल हो गया, रिवर, रेलवेज वगैरह हो गए, इन्हें बिना डिस्टर्ब किए हम क्या कर सकते हैं कि बोर्ड एंड पिलर मेथड से जो है हम लोग अपने कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग में। क्योंकि हमारा इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ जो कोल है वो पिलर के रूप में हम लोग क्या लेफ्ट यानी छोड़ देते हैं, जो कि क्या रूफ सपोर्ट के रूप में काम आता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमारा सरफेस फीचर्स को बिना डिस्टर्ब किए हम अपने
माइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। सिंस सॉलिड पिलर इज रिमेनिंग फॉर सपोर्ट ऑफ अर्थ सरफेस, देयर फॉर कोल इज एक्सट्रैक्टेड बिलो द रिवर, रेलवे लाइन, रोड, हिस्टोरिकल प्लेसेस। जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया है कि जब हमारा जो सॉलिड कोल पिलर होता है, जब हम उसे सपोर्ट के रूप में जब छोड़ते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिवर के नीचे जो हमारा कोल हो गया या कोई हिस्टोरिकल प्लेस के नीचे जो हमारा कोल है, उसे हम क्या आराम से इजली निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। उसमें हमें स्टोइंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा क्या होता है कि ज़्यादातर हिस्सा जो है कोल का वो पिलर के फॉर्म में छोड़ दिया जाता है, जो कि रूफ सपोर्ट में काम आता है। चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं। स्टोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इम्पॉर्टेंट सरफेस फीचर्स ड्यूरिंग डीप लेयरिंग, दिस कैन बी डन बाय पार्शियली एक्सट्रैक्टिंग द पिलर ऑल बाय लीविंग अ फ्यू सॉलिड कोल बैरियर। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें स्टोइंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। हम चाहे तो अंडरग्राउंड माइनिंग में इसमें जो है बिना सपोर्ट, यानी क्योंकि हमें इसलिए सपोर्ट नहीं देना पड़ता है अलग से, क्योंकि हम जो पिलर है वो सपोर्ट के रूप में जो है छोड़ देते हैं, और जितना हो सके मैक्सिमम हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बाकी जो है वो कोल वो पिलर के रूप में छोड़ देते हैं, ताकि सरफेस फीचर्स भी डिस्टर्ब ना हो और आराम से हम अपना कोल को निकाल सके। चलिए नेक्स्ट वन इज दिस इज इजी एंड मोस्टली यूज इन द माइन। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इसलिए ज़्यादातर माइंस में यूज किया जाता है और इंडिया में मैक्सिमम यूज किया जाने वाला माइंस में ये बोर्ड एंड पिलर माइनिंग का यूज किया जाता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि जितना एडवांटेज है बोर्ड एंड पिलर का, इसके साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, यानी डिसएडवांटेज भी है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज, वेंटिलेशन इज स्लगिश एट वर्किंग फेस एज कंपेयर टू लॉन्ग वॉल मेथड ड्यू टू लॉन्ग एंड मोर टर्निंग एंड कनेक्शन ऑफ रोडवेज। तो जैसा कि क्या होता है ना कि बोर्ड एंड पिलर में है, जब हम लोग रोडवेज ड्राइव करते हैं तो हमारा क्या गैलरी और पिलर का जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड एंड पिलर। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा कनेक्शन ऑफ रोडवेज बन जाता है, ठीक है, बहुत सारा क्या होता है रोडवेज बन जाता है, नंबर ऑफ फेसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होता है। हम जहाँ पे हवा को पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पे सही से नहीं पहुँच पाता है प्रॉपर अपने वे में, ठीक है, या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सही मात्रा में हवा का जो है बहाव नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर टर्निंग्स होंगे, वो नंबर ऑफ फेसेस ज़्यादा होंगे, तो क्या हमारा हवा जो है इधर ही रह जाएगा, अच्छे से नहीं जा पाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द एक्सट्रैक्शन लॉसेज आर जनरली हायर एज कंपेयर टू अदर माइनिंग मेथड। इसमें क्या होता है, जब हम कोल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एज कंपेयर टू अदर मेथड, मतलब बाकी माइनिंग के जो मेथड है उसके बराबर में इसमें जो हमारा कोल का लॉसेज ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है रूफ सपोर्ट के रूप में हमें पिलर को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए हमारा कोल ऑफ जो है लॉसेज ज़्यादा होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। सुपरविजन इज डिफ़िकल्ट ड्यू टू मोर नंबर ऑफ फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस ज़्यादा होने के कारण क्या हमारा सुपरविजन में भी, मतलब देखभाल में भी डिफ़िकल्टी आती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। एट हायर डेप्थ प्रेशर आर नॉट इट इजली कंट्रोलेबल बाई दिस मैथड एंड हीविंग ऑफ फ्लोर क्रीपिंग ऑफ रूफ टेक्स प्लेस। बोर्ड एंड पिलर जो है, जैसा कि हमने इसके एडवांटेज में देखा था, सॉरी अप्लीकेबिलिटी में देखा था, ये क्या किसी भी मोटेड डेप्थ के लिए ही अप्लीकेबल है। अगर ज़्यादा डेप्थ होगा तो वहाँ पे बोर्ड एंड पिलर जो है अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बाय द वे अप्लाई किया भी गया तो क्या होगा, ज़्यादा डेप्थ होने के कारण जो है हमारा जो रूफ है वो क्या हीविंग एक कर्व शेप का बनने लगेगा, जो जिससे क्या होगा कि रूफ धंसने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो स्टाटा का वो पिलर हमारा नहीं सह पाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि लीकेज ऑफ एयर टेक्स प्लेस मिनिमम थ्रू लार्ज नंबर ऑफ वेंटिलेटिंग डोर्स स्टॉपिंग एयर क्रॉसिंग। हमारा इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फेसेस ज़्यादा होते हैं,
तो इसलिए नंबर ऑफ़ वेंटिलेटिंग दूर हो गया, स्टॉपिंग हो गया, क्रॉसिंग हो गया एयर, तो इन सभी के वजह से क्या होता है कि हमारा जो एयर है वो कुछ ना कुछ क्या होता है, इसका लीकेज हो जाता है इनके थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। गैसीफायरी सीम इज नॉट वर्क इन दिस मेथड। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि अगर ज़्यादा गैसी सीम है या फायरी सीम है तो वहाँ पर हम लोग क्या होगा, इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस। रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन दिस मेथड ओनली 30-40% कोल इज एक्सट्रैक्टेड। इसमें हमारा क्या होता है, बोर्ड एंड पिलर में हम सिर्फ 30-40% ही जो है टोटल कोल का वो एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, इसमें हम अलग से तो कोई सपोर्ट देते नहीं हैं, हम पिलर को ही क्या सपोर्ट के रूप में छोड़ते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से हमारा क्या होता है, कोल का बहुत ही ज़्यादा लॉसेज होता था, इसलिए 30-40% ही हम कोल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं इस मेथड में। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप माइनिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज, माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सरदार ओबरमैन या गेट की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। ओके, बाय बाय।